हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी ज्ञान में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो बेबी की बॉटल होती है उस पर जो ढक्कन लगाना क्यों ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। बहुत सी महिलाएं ढक्कन नहीं लगा पाती हैं, सोचती हैं कोई बात नहीं, मतलब बोतल साफ़ रखती हैं लेकिन ढक्कन कई बार भूल जाती हैं, या कई बार मन में सोचती हैं चलो कोई बात नहीं बोतल तो साफ़ है। लेकिन ऐसा सोचना या करना बिल्कुल गलत है। बेबी की बोतल को सबसे जितना ज़रूरी स्टरलाइज़ करना है उतना ही ज़रूरी है। जब उसमें दूध होता है तो आपको उसमें ढक्कन लगा कर रखना चाहिए। ढक्कन अगर आप नहीं लगाएंगे तो जो एयर होती है, वो जो निप्पल में छोटा सा होल होता है, छेद होता है, उसके ज़रिए हवा बोतल के अंदर चली जाती है, जिससे जब बच्चा दूध पीता है तो उसके पेट में भी हवा जाती है दूध के साथ साथ, और नतीजा ये होता है बच्चे को उल्टी, दस्त, डायरिया, पेट में गैस बनना, अपच, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारे मन में ये रहता है कि मैंने तो बोतल को अच्छे से स्टरलाइज़ किया है, फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। ये मेन प्रॉब्लम होती है ढक्कन ना लगाने की वजह से। तो जब भी आप अपने बेबी को दूध पिलाती हैं, दूध बच जाए थोड़ा बहुत, तो पहले तो उसको साथ ही साथ उतना ही लीजिए जितना आपका बेबी पी सके। अगर फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता तो साथ के साथ उसमें लिड लगा कर रखें, और उसी मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर उस दूध को दोबारा देने की कोशिश करें। उससे ज़्यादा अगर समय हो जाए तो दूध को बिल्कुल भी ना पिलाएं, और दूध पिलाने के बाद बोतल को अच्छे से स्टरलाइज़ करें। स्टरलाइज़ आप इस तरीके से कर सकती हैं, एक पतीले में अच्छा सा, अगर दो बोतल हैं या एक बोतल है, उसके हिसाब से आप पानी डालिए। पानी जब अच्छे से खोलने लग जाए, उबलने लग जाए, तो बोतल को उसमें 15 मिनट तक अच्छे से उबालिए, और उबालने के बाद उसको अच्छे से सुखा कर फिर उसमें दूध भरिए। अच्छे से स्टरलाइज़ ज़रूर करना चाहिए बोतल को, वरना बोतल में जो बच्चा दूध पीते हैं वो काफ़ी इन्फेक्शन का जल्दी शिकार हो जाते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए बोतल को ज़रूर स्टरलाइज़ करें, और दूसरा लिड ज़रूर लगा कर रखें, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, दी गई इन्फॉर्मेशन और छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।